الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبع الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذب فيعذبه عذابا نقرا. رب يسر ولا تؤسر وطمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقران العظيم باب العلم انواريا ايجوكيشنال سوسايتي وجامعه انواريا حیدرآباد انديا كي زیر احتمام. तफसीर नसफी की वीडियो रिकॉर्डिंग किस जारी है हमारा आज का बयान पारा नंबर सोलह सूरह नंबर अठारह की आयत नंबर सतासी से शुरू होता है क़ाल मामन जलम फ़सोफ़ नवाज़ बहु ुलकरन इशारा करना चाह रहे हैं मुफसर के काले की, की ज़मीन ुलनैन की तरफ पलट रही है जुलकरन ने अर्ज़ किया कियान ने अर्ज़ किया अम्मा मन जलम है लेकिन इस कौन में से जो जुल्म की रविश इख्तियार करे करेगा उसे तो हम सजा देंगे ये जोकरन ने जवाब अर्ज किया किस जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोलकरन को इख्तियार दिया उस कौम के बारे में जो उसको मगरिब की जानब आबादी के आखिरी सिरे पर मिली थी और वो कौम बिल्कुल गैर महजब होने के साथ साथ काफिर भी थी तो ये इख्तियार दिया था किजुलकर तुझे ये हक भी हासिल है कि तुम उसे सज़ा दो ये हक भी हासिल है अंत तकम हसन कि उनमें हुन को अख्तियार करो तो इसके जवाब में करनैन ने कहा मंजल में जो जुल्म करेगा जो जुल्म की रविश को अख्तियार करेगा उसे तो हम सजा देंगे कैसे सज़ा देंगे मुफसर कहते हैं बिल कत्ल क़त्ल के ज़रिए यानी उसे हम क़त्ल करेंगे फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और उसका रब उसे इससे भी ज्यादा सख्त सजा देगा कब मुफसर कहते फिल क़ियामा माँ अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा तो उसका रब सजा दे इससे भी सख्त सजा देगा कब फिल क्या माँ में जुल करना है कि इस कॉल का माना यह है बकौल मुफसर के कि अम्मा मंदाओ तो एल इस्लाम फ़ अबा लेकिन जिसको मैं इस कौम में से जिसको मैं इस्लाम की दावत दूंगा इस्लाम कबूल करने की दावत दूंगा मुफसर ऐसा कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मुफसर इस बात को मानते हैं कि इस्लाम कोई नया दिन नहीं है जिसको पहली बार हमारे नबी ले कर के आए और लोगों के सामने इसका तारुफ़ कराया कराया हो बल्कि बल्कि ये इस्लाम तो जुलकरन का भी दिन था जैसा कि मुफसर कह रहे हैं अम अमन तो हुए इस्लाम लेकिन इस कौम में से जिसको मैं इस्लाम की दावत दूँगा फ आबा फिर वो इस दावत को ठोकराएगा एजीम इस दावत को ठोकराएगा इस्लाम का इनकार करेगा और वो जुल्म अजीम पर ही ठहरा रहेगा जुलम अजीम यानी शिरक कुरान पाक में शिरक को जुल्म कहा गया नो जुल अजीम जुल्म अजीम पर ही ठहरा रहेगा फज़ा का हुआ तो मज़ुलकर के कहने का मतलब ये है कि दावत के बाद भी इस इस्लाम की दावत का इनकार करेगा और शिरक पर ही इसरार करेगा फ़जा का हुल मफ्फिक दारैन तो उसे दोनों दार में दुनिया में भी और आखरत में भी दोनों दार में भी दोनों दार में उसे सज़ा मिलेगी व अमाम वह अमिल साह और जिसे दावत दूँगा इस्लाम की और वो ईमान लाएगा वह अमिल साहिया और अच्छे काम करेगा अच्छे काम करने का मतलब मुफसर कहते हैं यानी वो काम करेगा जिस काम का ईमान तक करता है अच्छे काम करेगा फ़लह जजा अनिल हस्ना तो जुलकरन कहते हैं कि मैं दावत दूँगा और इस्लाम की और ईमान की तो जो ईमान ला कर अच्छे काम करेगा उसके लिए उमदा सिला है कहते फ़लह जजा उलफेलहसन उसे फेल हुसना की जजा है अल्लती, अल्लाती फ़ेले हुसनासना जो कल में शहादत है ला कल में शहादत की जजा है जजा अनिल हसन ये तीनों कोफ़ी कुर्रा की किरत है जजा अनिल हुसन कहते हैं कोफ़ी से इशारा करना चाह रहे हैं कि तीनों कोफ़ी कुर्रा की किरत जजा अनिल हस्ना है अलबत् इन तीन में से एक तीन कोफ़ी कुर्रा में से एक इमाम आसिम हैं इमाम आसिम के शागिरदों में एक अबू बकर हैं और वो भी इमाम आसिम से रिवायत करते हैं तो उनकी रिवायत में जजा अनिल हुसना नहीं है फल फेलना जजा तो उसके लिए फेल हुसना है जजा के अतबार से तो क्या कहा इन्होंने अमाम आमन वामिल साह जुलकर ने अर्ज किया कि जो ईमान लाएगा और अच्छे काम करेगा उसके लिए उमदा सिला है वसनकूल लहू मिल अम्र ना युसरा और ईमान लाकर अच्छे काम करने वाले को हम आसान हुक्म देंगे मुश्किल हुक्म नहीं देंगे यानी ज़कात, टैक्स वगैरह का आसान हुक्म देंगे उसको मुश्किल हुक्म नहीं देंगे फुम अतबा सबबा अला कौमिन। फिर उसने मशरिक की तरफ एक मुहिम का सामान किया लफ्जी तर्जुमा में बयान कर चुका एक सबब के पीछे चला और इसको मुफसर वाजे कर चुके हैं मासबत में मा। अतब आशा बबा हत्या एजाबल मब शम्स वहाँ पर इस बात को वाज कर चुके अदा की जरूरत नहीं है फिर उसने मशरक़ की तरफ एक मुहिम कसर सामान किया कि जब वो तुलुए शम्स की हद तक पहुँच गया जुलकर मासबत में वाजे कर चुका हूँ कि तलु शम्स की हद तक पहुँचने का मतलब नहीं है कि उस जगह जहाँ जिस जगह से सूरज नमोदार होता बल्कि जानब मशरक में जानब मशरक़ में आबादी के आखिरी सिरे पर पहुँच गया मतले और मगरब ये दोनों इसमें ज़र्फ़ है और इसमें ज़र्फ मज़ार मज़मू मैं से मफअल के वज़न पे मफअल के वज़न पर आता है तो इन दोनों लफ्ज़ को मतला और मगरम होना चाहिए जबते के मुताबिक मगर सरफ़ी हजरात कहते हैं कि बारह अल्फ़ाज़ खिलाफ क्यास आए हैं उनमें से एक मतले है और एक मशरक़ है और क्यास के मुताबिक भी आया है यानी मतले की जगह मतला और मगरब की जगह मगरब ये भी आया है के जब के जब तलुए शम्स की हद तक पहुंच गया वजह दहा तत्लो वाला कौम तो उसने सूरज को एक कौम पर होते हुए पायाज अलम मंदू सितरा जिस कौम के लिए जिनके लिए हमने धूप से बचने का कोई सामान मुहैया नहीं किया अल्लाह रब्बुल इजत फरमाता, ऐसी कौम को जुलकरन ने देखा वजदहातत्व वाला कौम सूरज को तुलु होते हुए पाया एक कौम पर मुफसर कहते हैं वो कौम कौन सी है जंज जन्ज है जंजी हबशी जिनके लिए हमने धूप से बचने के लिए कोई शत्र नहीं बनाया शत्र के माना लगत में पर्दा के है मुफसर कहते हैं सितर से मुराद या तो इमारतें हैं या ये कि लिबास है उसको कहते हैं अब न इमारतें उनके लिए हमने इमारतें मुहैया नहीं की किब अहबार से रिवायत है कि उनकी ज़मीन ही ऐसी थी कि वहाँ इमारतें रुकती ही नहीं थी हाँ उनकी ज़मीन में तहखाने थे सुरंगें थे फैज़ा तलाती शम्स दलू तो सूरज के तलु होने के वक्त वो सुरंगों में घुस जाते थे तहखानों में चले जाते थे फैज़र तफ़ान नार बकौल का व्यवहार के और जब दिन ऊपर चढ़ता सूरज ऊपर चढ़ता तब ये काम अपने माइश की तरफ निकलते अपने ज़राए ज़िंदगी की तरफ निकलते तो हमने उनके लिए धूप से बचने के लिए कोई सितर नहीं बनाया तो सितर से मुराद या तो इमारतें हैं जैसा कि मुफसिक कह रहे हैं या सितर से मुराद लिबास है कि उनके लिए हमने कोई लिबास नहीं बनाया यानी ये काम भी बिल्कुल वैसे ही गैर महजब थी जैसे कि जानब मगरब की मुंतहा पर जानब मगरब में आबादी की मुंतहा पर की कौम गैर महजब थी वैसे ही ये भी गैर महजब थी अनुजाहिद अब जो इन्होंने कहा कि सित्र से यहाँ पर मुराद लिबास है उसकी तइद मुजाहिद की रिवायत से करना चाह रहे हैं अन मुजाहिद मल्ला मसुबसियाब में सूदान इन दतल इशम्स अक्सर अहली लार मुजाहिद से एक रिवायत है कि हबशियों में से इन काले लोगों में से जो लोग कपड़े नहीं पहनते थे उनकी तादाद उस वक्त तमाम अहल ज़मीन वालों से ज़्यादा थी ये थोड़े लोग नहीं थे बहुत ज़्यादा थे सुबा सबबा फिर उसने जानब मशरक़ फिर उसने मशरक़ की तरफ एक मुहिम का सरोसामान सामान किया हती के कि हती के तलवे शम्स की हद तक पहुँच गया वजह हा तत्व वाला कौम तो शम्स को सूरज को एक ऐसी कौम पर तुलु होते हुए नमोदार होते हुए देखा जिनके लिए हमने धूप से बचने के लिए कोई पर्दा कोई सामान नहीं किया था गजालिक वैसा ही है उसी तरह है उसी तरह है मुफसर कहते हैं इसकी कई तफसीर आ रही है पहली तफसीर कि कजाली का माना बकौल मुफसर की ये है अम्र झलकर्न क़ाली कमा वफ़ ना हो कर्नैन के बारे में पूछते हैं ुलकरन का मामला वैसा ही है जैसा कि हमने बयान किया जिसको आपने सुना तो या तो कजालिक का माना अमर झलकरनैन कजालिक है यानी ुलनैन का हाल वैसा ही है जैसा कि हमने बयान किया अल्लाह रब्बुल रबुल्ज फरमाता वत ना बेमाल और जोलकरनैन के पास जो कुछ था उसकी हमें खूब ख़बर थी जुलकरन के पास जो कुछ था उसकी हमें खूब ख़बर है बिमाल अदय जो कुछ उसके पास था जो कुछ उसके पास था इससे क्या मुराद है तो मुफसर कहते हैं लश्कर में नल वलालात वल आलात और आलाते हरबो ज़रब व असबाबिल मुल्क और हुकूमत के जराए व अस्बाब ये जो कुछ भी उसके पास था कर, हतना खबरा उसकी हमें खूब खबर थी उसकी हमें खूब ख़बर है अब नसब अलमस्तर से मुफसर खुबरन का इराब बयान करना चाह रहे हैं कि ये मंसूब है मफूल मुतलक होने के बिना पर मफोले मतलब तो फ़ल मस्कूर का हम लफ्ज़ होता इससे पहले जिस फ़ेल का ज़िक्र हुआ वो आहतना है ये खुब्र का हम लफ्ज़ तो नहीं है तो फिर ये खुबरन मफोले मतलब क्यों कर हो सकता तो इसके जवाब में मुफसिर कहते हैं कि मफूल मतलब के लिए फ़ेल मस्कूर का हम लफ्ज़ होना ज़रूरी नहीं है बल्कि हम माना होना काफ़ी है और ये हम माना है क्योंकि कद अहत ना कद खबर ना के मानी में है कद ख़बर ना कुबरा तो अब फेले मस्कूर के ये माने हुआ कि कद ख़बर ना कुबरा कद अहत ना खुबरा, हमें खूब ख़बर थी हमें खूब खबर थी हमें खूब खबर है कहते मंसूब है मफूल मुतलक होने के बिना पर इसलिए कि अहद ना में ख़बरना का माना है और बलगा मतलब शम्स तो कजालिक जो ऊपर में है कजालिक तो कजालिक का माना कजालिक की तफसीर में एक तो वो है जिसको मुफसर पहले नंबर पे बयान किए कि जुलकर नैन का हाल वैसा ही है जैसा कि हमने बयान किया एक दूसरी तफसीर भी की गई कजालिक का मतलब ये है कि बलगा मतलब शम्स मिसला जालिकल शम्स की हद तक जुलकरनैन उसी तरह पहुँच गया जिस तरीके से कि गुरूब शम्स की हद तक पहुँच गया था या तो ये माना है एक तफसीर यह भी एक तीसरी तफसीर भी है कज़ालिक कजालिको अला कौमिन मिस नजालिकल कबील अलजी तकरबल गजालिक का माना यह है कि ये सूरज तलु होता है उसी कबील के मिसल कौम पर जिन पर यह सूरज गरूब होता उसी कबील के मिसल पर यानी यानी वो भी वो भी उन्हीं की तरह काफिर हैं तो कजालिक का मतलब जिस तरीके से के जानब मगरब की सरहद पर बसने वाली कौम काफिर थी उसी तरीके से जानब मशरक़ की सरहद व मनतहा पर बसने वाली कौम भी काफिर थी ये माना है कजालिक का ऐसा बात मुफसर बयान करते वुक्म सलोक्ज़ीब ही और उनका हुक्म उनके हुक्म की तरह है उनका हुक्म उनका हुक्म उस पहली कौम के हुक्म की तरह है ताज़ीब में सज़ा दिए जाने में उस उनके लिए जो उनमें से कुफर पर बाकी रहे और एहसान करने में उनके लिए जो इनमें से ईमान लाए सबबा बाबा बलगा बैन फिर एक मुहिम का सरोसामान किया हत्ता कि सदैन के दरमियान जब पहुँचा हती कि जब वो सदैन के दरमियान पहुँचा सदैन का माना मुफसर बयान कर रहे हैं बैन ए बैनजबल दो पहाड़ों के दरमियान जब पहुँचा ये दो पहाड़ ये वहमा जबलान ये वो दो पहाड़ हैं कि लकर्न ने ये वही दो पहाड़ हैं जिनके दरमियान के खला को लकर्न ने बंद किया जिनके दरमियान के खला को लकर्न ने पाटा यहाँ सदैन से वही दो पहाड़ मुराद हैं हती कि जब वो सद्दैन के दरमियान पहुँचा अद्देन व सद्दा ये जो इबारत मुफसर ला रहे हैं इससे अख्तिलाफ़ किरत को बताना चाह रहे हैं सद्दा यह है कहाँ से निकल कर के आया आगे आयत में आ रहा आगे आयत में है व अलाज अला बैन ना वैन हम सद्दा ये आगे आयत में ये सद्दा का लफ्ज़ आ रहा तो कहते हैं सद्दैन और सद्दा ये इब्ने मक्की यानी इब्न कसीर मक्की की किरत है वह अबू अमर और अबू अमर की किरत है अबू अम्र बिसरी की किरत है वह हफ्स और इमाम आसिम के इमाम आसिम के शागिर्द और रावी इमाम हफ्स की किरत है क्या सद्दैन और सद्दा, सद्दा गया रहा और अद्दैन और सद्दा ये, ये किरत किन की है सद्दैन की जगह सुद्दैन ये किन की किरत है ये हमज़ा की किरत है और अली की किरत है गैर हूँ और दोनों के जम्मा के साथ यानी सद्दैन और सुद्दा ये इनके सिवा दिगर कुर्रा की किरत है माकाना मसदूद खिलका फो मजमूम एक कॉल यह है जो खिलका मसदूद है वो मजमूम है खिलकता मजदूद पहले से जो दो पहाड़ थे अल्लाह ने जिनको पहाड़ बनाया था पहले से जो बंद थे तो इस कॉल के मुताबिक वो मजमूम है यानी सुदैन है वह माकान मी नाम इबाद और वो जो बंद हुआ बंदों के अमल से खिलकतन मसदूद नहीं है फो वूह वो मफतूह वो है यानी सद्दाह है बहरहाल इख्तलाफी क्रत को बयान कर, कर दिया वन तसबहन अब बैन के इराब को बयान करना चाह रहे हैं हत्ता बाल बदन बैन के इराब को बता रहे हैं कि ये मंसूब है इसलिए कि बलगा का मफूल है कहते हैं बैन मंसूब है इस बिना पर कि मफूली भी ही है बलगा का जैसे कि बैन मजरूर भी होता है इज़ाफ़त की वजह से जैसे इससे पहले पहले आयत गुज़र चुकी है हाजा फ़िराको बैनी व बैन कह ये तीसरा सवाल ए जनाब मूसा आपका ये मेरे और आपके दरमियान जुदाई का सबब है तो फ्राक व बनी में बैन को जर है क्यों इसलिए कि फ़िराक़ का मसाफिल है जिस तरीके से कि बैन इजाफत की मजरूर होता है जिससे अल्लाह ताला की इस कौल हाजा फ़िराको बैनी व बैन कह में वह कमरतफ़ा है जैसा कि बैन मरफू भी हुआ करता जैसे अल्लाह ताला की इस कौल लक़त तक़त तुम में बैन मरफू है इसलिए कि महल रफ़ा में है लेन हो मिनूफ़ इसलिए कि बैन उन रूफ़ में से है अल्लाह तुस्तामल अल्लातीस्तामान वरूफ़ वा जो आसमा के तौर पर भी मुस्तमल होता है उन ज़रूफ़ में से जो आसमा के तौर पर भी इस्तेमाल में आते हैं और ज़रूफ़ के तौर पर भी इस्तेमाल में आते हैं हत् एज़ा वाला गबेन सद्दैन यहाँ तक कि जब वो दोनों पहाड़ों के दरमियान पहुँचा कहते हाजल मकान फी मुन कत अर्द तुरु ममा ये जगह जहाँ उनकी रसाई हुई ये सरज़मी तुर्क की आखिरी किनारे हैं, जो मशरिक से मुतसिल है सरहद पर है जो मशरिक से मुतसिल है वज मंदून हिमा कौमा उनके पास दोनों पहाड़ों के पास दून की माने पास भी सही है और वरा भी, भी सही है उन दोनों पहाड़ों के पास जुलकरनैन ने एक कौम को देखा ये कौन सी कौम थी मुफसर कहते हैं तुरुक। ये है तुरुक है एक कौम को देखा ला दून यून कौला जो कोई बात समझते हुए नजर नहीं आते थे जो किसी बात को समझ नहीं पाते थे ए ला या का यमून फिक समझना यानी किसी बात को समझ नहीं सकते थे मगर मुश्किल और मेहनत से इशारा वगैरह के ज़रिए से ऐसे बात को समझ नहीं पाते थे युफ केहून से इख्तलाफ़ी किरत की तरफ मुफसर इशारा करना चाह रहे हैं कि एक किरत तो यफ़ कहूँ है और यानी सलासी मुजरत से है और एक दूसरी किरत युफ़ के है यानी सलासी मजीद से है यफ़ कहून फिक समझना और युफ के समझाना तो ये युफ के ये किरत है हमज़ा की और ये किरत है अली की तो इस किरत की बिना पर क्या माना है लाकादू न यफ़ कहू न कौला कि वो सामे को अपनी बात नहीं समझा पाते थे इन दोनों पहाड़ों के पास जुलकरनैन को एक कौम मिली जो सामे को अपनी बात समझा नहीं पाती थी और अपनी बात वाजे नहीं कर पाती थी बयान नहीं कर पाती थी क्यों इसलिए कि उनकी ज़बान अजनबी और नामालूम थी कालू या करनैन इन याजूज ए व माजूज मुफ सिदू नफिल इस कौम के लोगों ने कहा ज़ुल करनैन से कहा करनैन याजूज और माजूज यकीन याजूज और माजूज की सरज़मीन पर फसाद मचाते हैं फहल नज अलो लक अला बेन नाबेन सदा अल्लाह के ज़मीन पर फसाद मचाते हैं तो क्या हम आपके लिए कुछ टैक्स मुहैया करें निकालें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक बंद बना दें कॉल है माँ मक्कनी फ़ी है रबी खैर सुलकरनैन ने जवाब में कहा मेरे रब ने मुझे जो कुछ दे रखा है खैर उन वो बहुत है फ़ायनूनी बेकूआ तुम बस मेरी मदद ताकत से करो हाथ हाथमाओं से करो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक बंद बना दूंगा कालू, इस कौम के लोगों ने जुलकरनैन से कहा एलकरनैन यकीन यकीनन याजूज और माजूज हुमा इसमान आजमियान बेदलील मनी सर्फ़ याजूज और माजूज मुफसर कहते हैं ये दो अजमी नाम हैं इन दोनों का ताल्लुक अजम से है ये दोनों अजमी हैं अरबी नहीं हैं गैर अरबी हैं इस बात की दलील इस बात की दलील ये है कि इन दोनों को ग़ैर मुनसरब पढ़ा गया यहाँ ख़ुद है इन याजूज़ है व माजूज है गैर मुनसरफ़ हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर मुनसरिफ़ पढ़ते तो कहते याजूजन व माजूजन मगर ऐसा नहीं है याजूज है व माजूज है तो इन दोनों को ग़ैर मुनसरफ हम खुद पढ़ रहे हैं तो इनका गैर ग़ैरमनसरफ होना ये गैर गैरमुनसरफ है और ग़ैर मुनसरफ़ कोई नहीं होता मगर असबाव मनासरफ में से दो सबब के होने से या एक सबब उसकी बात नहीं दो सबब होने से और दो सबब क्या है एक तो अलम है दूसरा कोई सबब नहीं है सिवाय सिवाय आजमी होने के आजमी होने के तो मानना पड़ेगा कि ये दोनों के दोनों आजमी हैं ऐसा मुफसर कह रहे हैं हम इस्मान आजमियान ये दोनों अजमी नाम है इस गैर मुनसरफ़ की दलील से वाम आसिम फ़कत या जूज वमा जूज हमज़ा के साथ ये सिर्फ इमाम आसिम की किरत में है बाकी शेकुर्रा की किरत में हमजा के बगैर है यानी याजूज माजूज सिर्फ आसिम ने इन दोनों को हमजे के साथ हमजा के साथ पढ़ा है वह माँ मिन वल वमा बिल वल याफिस और याजू जो माजूज याफिस के औलाद में, में से है एक तफसर ये याजूज माजूज इंसान ही है और मुफसर कहते हैं ये याफिस के औलाद में से हैं एक तफसर ये है कि याफिस के औलाद में से एक दूसरी तफसीर भी है और याजूज में न तुरु व माजूज में झील वही है कि याजूज जो है ये तुरुक से है और माजूज झील वैलम से है अपना एफारस से है मुफसदू अर्थ जमीन में फसाद मचाते हैं तील क्या फसाद मचाते हैं उसको मुफसर

एक दूसरा कौल याजूज माजूज के बारे में यह है कि ये मौसम बाहर में निकलते थे पहाड़ के पीछे से उन दो पहाड़ों के पीछे से मौसम बाहर में निकलते थे और किसी हरी भरी चीज को नहीं छोड़ते मगर उसे चट कर जाते थे खा जाते थे इसी तरीके से किसी सूखी चीज को भी नहीं छोड़ते थे मगर उसे उठा ले जाते थे और इनकी उम्र इतनी लंबी होती थी कि इनमें से किसी को मौत नहीं आती थी जब तक कि अपने सुल्ब से एक हज़ार मर्द को नहीं देख लेता वकील अहूम अला या सिंफैन याजूज बाजूज के बारे में एक कॉल ये भी है कि ये दो सिंफ पर हैं ये दो तरह के हैं एक तो इंतहाई लंबे और एक इंतहाई फहल न जाल का खर्जा तेज़ुलकर क्या हम आपको कुछ टैक्स अदा करें खराजा खर्जा कीजिएगा खराजा इख्लाफी किरत की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं ये खिराजा, ये किरत है हमजा और आली की जोल टैक्स जिसको हम अपने मालों से निकालें और खर्जा और खराजा ये ऐसे ही है जैसे कि नॉल और नेवाल है दोनों ही लगत है तो क्या हम आपको कुछ टैक्स अदा करें इस बिना पर कि आप हम हमारे और उनके दरमियान एक बंद की तामीर करें कॉल है माँ मक मा, कन्नी फ़ी है रबी खैर जुलकर नैन ने कहा मेरे रब ने मुझे जो कुछ दे रखा है वो बहुत है बिल इदगाम वेफक् ही मक्की की अख्तिलाफ की तरफ़ इशारा कर रहे हैं कि एक किरत तो ईदगाम के साथ है यानी कन्नी नून कानून में इदगाम है और इबन कसर मक्की मक्की यानी इब्ने कसीर मक्की की किरत इदगाम, इदगाम के बगैर है यानी फीहे मकिन मिन कसरतमाल वलार खैर वसर कहते हैं कि जुलकर के इस फरमान का माना ये है कि मेरे रब ने मुझे जो कसीर माल और फरावानी दी है वो खैर बेहतर है उससे जो तुम खर्च करोगे मेरे लिए जो तुम निकालोगे मेरे लिए टैक्स वग़ैरह फलाहाज तलीफी मुझे तुम्हारे टैक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है फरवान होने की हैसियत से हुक्मरान होने की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूं, तुम्हारे जानो माल की हिफाजत करूं, इसके लिए एक दीवार बनाने की ज़िम्मेदारी है बंद बनाने की जिम्मेदारी है वो मैं बना देता हूं, इसके लिए तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा कोई चार्ज मैं नहीं करता हूँ बस तुम्हें हाथ पाँव से हाथ पाँव से मेरी मदद करनी पड़ेगी फ़ैनोनी बेकुआ क़त से तुम मेरी मदद करो पैसे से नहीं माल से नहीं यानी काम से काम करने वालों से जो अच्छी तामीर करें अच्छे काम करें और आलात से मेरी मदद करो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक बंद तामीर कर दूँगा रदमा जीदारन वहाज़न हसीन कहते हैं रद् कलगत में एक माना दीवार भी है और रज्म हाजिस बंद हसीन महफूज मजबूत बंद व रद् अकबर मुनसद ऊपर में है बैनना व बैन हम सद्दा अलांतजमल अलांतज अला बैनना व बन हूँ कि आप बना दें हमारे और उनके दरमियान एक सद तो उसके जवाब में जुलकरनैन ने कहा अज अल बैन व बैन हुम रदमा तुम सद की बात कर रहे हो मैं रद्म की तामीर कर दूंगा तुम सद की बात कर रहे हो मैं रद्म की तामीर कर दूंगा रद्म क्या चीज है तो मुफसिर कहते हैं वर रद्म अकबर मैंने सद ये रदम सद से बड़ी होती है अजु अरबी के इसलिए इन्होंने यहाँ पर सद्दा की जगह रदम रदमा का इस्तेमाल किया यानी जो उनकी चाहत थी जैसी चाहत थी चाहत से बढ़कर उनकी मतलूबा चाहत से बढ़कर काम करने काम करने की खुशखबरी सुनाई सुलकरन ने उस कौम को ख़ातूनी ज़ुबर हदीत حتى إذا صار بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جاء له نارا قال أعطوني أفري عليه قطرا زل نے کہا مجي लोहे के तख्ते ला कर दो आतूनी लाओ मेरे पास अल हदीद लोहे के तख्ती अतायाती आना और आतायुती ईता लाना लाओ मेरे पास उठा कर के लाओ लाओ मेरे पास ज़ोबर ज़ुबरा की जमा है ज़ुबरा बड़े टुकड़े को कहते हैं लोहे के बड़े टुकड़े लोहे के तख्ते बोल सकते हैं लोहे की चादरें बोल सकते हैं लाओ मेरे पास लोहे की चादरें यहाँ तक के, जब पहाड़ के दोनों किनारों के इजास्वा सद सदफैन यहाँ तक कि जब पहाड़ के दोनों किनारों के बराबर कर दिया कर दिया उस बंद को तब्जुल करने ने कहा अब धोनी धोनी दो अब फूंक मारो हता इज़ा जा लहू यहाँ तक कि जब वो लोहे की चादरें जो लोहा है लोहे की चादरों को आग की तरह सुरख कर दिया काल तब जुलकरन ने कहा आतूनी उफरी गले ही कितरा पिघलाए हुए तांबे मेरे पास लाओ कि अब इस पिघलाए हुए तांबे को इस गर्म लोहे पर मैं उन दूँ वफ़िर क्या कहते हैं उसको देखते हैं ज़ुबर अल हदीद ए अल हदीद लोहे के बड़े टुकड़े किता क़तआ की जमा है लोहे के टुकड़े लोहे के तख्ते कहते हैं वह ज़ुबरा अल अतुल्कबीरा कबीरा ज़ुबरा किसका नाम है बड़े टुकड़े का नाम है तो लोहे के बड़े टुकड़े यानी लोहे के तख्ते से हम उसकी ताबीर कर सकते हैं लोहे की चादरों से हम उसकी ताबीर कर सकते हैं लाओ मेरे पास लोहे की चादरें अब ये बंद जिसकी तामीर हो रही थी जिसकी तामीर हुई जुलकरन के हाथ इस बंद की कुछ कैफियत और कुछ हालत उसको मुफसर वाज़ करना चाह रहे हैं फ़ेलसास बलगल मा वज असाश मिनसरे वन नुहासिल मज़ाब इस बंद के बारे में एक कौल ये है कि इस बंद की बुनियाद खोदी गई यहाँ तक के अंदर से पानी निकल आया यहाँ तक के अंदर से पानी निकल आया जब बुनियाद खोदते खोदते इस कदर नीचे बुनियाद खोदी गई कि नीचे से पानी निकल आया तब इसमें पत्थर पिघलाए हुए तांबे से जमाए गए और लोहे के तख्ते जुबर अल हदीब लोहे के तख्ते ऊपर नीचे चुनकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरे गए इस तरह कि ये दिवार, ये दिवार की ये दीवार ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई फिर इसमें धौनी दी गई यहाँ तक कि जब ये आहनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तब ऊपर से पिघलाया हुआ तांबा सुर्ख लोहे पर उंडेला गया ये सब मिलकर एक सख्त जिसम बन गया वसारा जलदन और वल्दा एक सख्त जिस्म बन गया वकील इस दीवार के बारे में इस दीवार की लंबाई के बारे में कि दीवार दीवार कितनी लंबी है एक कौल ये है कि बोध माबे नद्दैन मैं तो फरसा। दोनों पहाड़ों के दरमियान की दूरी दोनों पहाड़ों के दरमियान की दूरी में तो फरसख, सौ फरसख है फ़रस दर हकीकत फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जो अरबी में भी मुस्तमल होने लगा एक फ़रस बारह हज़ार गज़ का होता है तकरीबन आठ किलोमीटर तो सौ फरसख में आठ को जरब देते हैं तो आठ सौ किलोमीटर होता इसका मतलब ये कि दोनों पहाड़ों के दरमियान जो खाली जगह थी जिसमें जुलकरनैन ने बंद की तामीर की यह बंद 800 किलोमीटर ये दीवार 800 किलोमीटर लंबी थी लंबी है यहाँ तक के जब हती इज़ा सा हुआ मैंने यहाँ तक के जब सदफ़ैन के बराबर कर दिया सदा फ़ैन बेफहान यानी दाल और फाँ के फता के साथ सदा पहाड़ के दोनों किनारे पहाड़ के दोनों किनारे यहाँ तक के जब बराबर कर दिया उसको पहाड़ के दोनों किनारों के लिए नहा या तसादफ़ान ये सदफ़ तसाद से है तस, या तसादफ़ान ए या तकाबलान आमने सामने होना और सदाफैन भी ये किरत है सदफ़ैन की जगह ये किन की किरत है इबन मक्की इबन कसीर मक्के की किरत है व बिसरी ए और अबू अमर बिसरी की किरत है व शामी और इबन आमिर शामी की किरत है और सदफ़ैन की जगह सदफ़ैन भी किरत है ये अबू बकर की किरत है जब पहाड़ के दोनों जानिब दोनों किनारे के बराबर कर दिया तब कहा अब फूँक लगाओ जुलकर ने कहा किसको कहा काम करने वाले मजदूरों को कहा कि अब अब लोहे में धौनी दो यहाँ तक कि हता एजा जलहू नारा यहाँ तक कि जब उसको यानि जिसमें फूक लगाई गई उसको आग कर दिया आग कर दिया यानि आग की तरह कर दिया आग की तरह कर दिया आग की तरह कर दिया यानी लोहे को जब आग की तरह बिल्कुल सुर्ख कर दिया तब जब वो लोहा आग की तरह बिल्कुल सुर्ख हो गया तो जुल्कर्न ने कहा अब मेरे पास पिघले हुए तांबे लाओ कि इस तांबे को उस पर मैं उंडेल दूँ आतूनी ए आतूनी मुझे दो क्या दो यहाँ पर मफूल मुकद्दर है क्या कितरा आगे की दलील से उफरी अलह कितरा की, की दलील से मुझे पिघलाए हुए तांबे दो कि मैं पिघलाए हुए तांबे को इस गर्म लोहे पे आग की तरह सुर्ख लोहे पर उनेल दूँ कितरा नुहासन मज़ाब पिघलाया हुआ तांबा उसको कित्र क्यों कहते हैं इसलिए कि वो टपकता है वह मनसूब उफ्रीग ये कतरन को नसब है उफ्री की वजह से यानी मफूल होने की वजह से वह तकदीर हो अलमुख्तर ये कि आतूनी उफरीक अलह कतरा कितरा मफूल है आए आतूनी भी अमल करना चाह रहा उफ्रक भी अमल करना चाह रहा तनाज़लान में से है तो मुफसर ने उफ्र को अमल दिया और आतूनी में मफ़ूल को मुकदर माना यानि आतूनी खतरा उफ्र कितरा तो उसको कहते हैं वह मनसूब उफ्रग ये मनसूब उफ़्रग की वजह से और इसकी तकदीर है आतूनी खतरा उफ्रिग अलरा तो पहले मफूल को हस्फ कर दिया गया क्योंकि दूसरा मफूल उसके ऊपर दाल है तो क्या क्या पढ़ा काला आतूनी काला काला तूनी एक किरत अलीफ के वसल के साथ है ये किन की किरत है ये हमजा की किरत है दिगर कुर्रा की किरत वही है आतूनी और हमजा की किरत में क्या है काला तूनी तो यहां तो जब वसल हो रहा अगर शुरू में इसको पढ़ना हो काले से हटा कर कर करके तो फिर जब शुरू में आए तो अलीफ़ को कसरा होगा यानी काले तू नहीं आतूनी नहीं ई तो नहीं ये किन की किरत में हमजा की किरत में ए जी अगर ई तो है तो आतायाती के माने जा ए आना है और आतायुती है तो उसके माना है देना है लाना है मस्ताऊरूफमस्ताऊ लहू नकबा जुलकरनैन ने कहा कि अब ये याजूज और माजूज न चढ़कर इस पर चढ़कर आ सकेंगे इसकी ऊंचाई की वजह से व मस्तताऊ लहू नाकबाप और न ही इसमें सुराख कर सकेंगे इसकी पुख्तगी और मज़बूती की वजह से क़ाल हाज रतरबी इस दीवार की तारीफ़ करने के बाद कि ये दीवार इस कदर ऊंची और मज़बूत है तारीफ के मुतसिल दीवार की तारीफ हो रही कर रहे हैं जुलकरनैन तो इससे जहन इस बात की तरफ ना चला जाए कि जुलकरनैन दीवार की तारीफ़ करके अपनी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उस दीवार और बंद की तामीर उन्होंने की तो मुतसिल कहते हैं हाजा रहमत रबी ये मेरे रब एहसान है ये मेरे रब की नेमत है ये अल्लाह की नेमत है उसकी रहमत है ये जो कुछ है उसकी रहमत से है मेरी अपनी ताकत से नहीं है ऐसा क्लियर कर रहे हैं जुल कर यानी मैं एक बार फिर पलटूंगा पीछे की बात की तरफ यानी जुलकरन कह रहे हैं अगरच मैंने अपनी हद हाँ तक बहुत मस्तहकम दीवार तामीर की है मगर ये लाजवाल नहीं है फैज़ा ज आवादुरब्बी दक्का यह लाजवाल नहीं है जब तक अल्लाह की मर्जी है ये कायम रहेगी और जब वो वक्त आएगा जो अल्लाह ने इसकी तबाही के लिए मुकद्दर कर रखा है तो इसको पारा पारा कर देगा जुलकरन वाज़े कर रहे हैं कि अपनी हद तक मैं बहुत मज़बूत दीवार बना दिया हूँ मगर लाजवाल नहीं है जब अल्लाह के वादे का वक्त आएगा तो ये दीवार खत्म हो जाएगी ऐसा जुलकरनैन कर रहे हैं और ये किस्सा नैन का पहली फुर्सत में अवल मरहला में किन को सुनाया जा रहा कुरैश के सरदारों को इसलिए कि उन्होंने ही सवाल किया था उन्होंने ही सवाल किया था कुरैश के सरदार ही सवाल किए थे सवाल किए थे तो पहले मरहले में उन्हीं को सुनाया जा रहा है और इसमें उनको दर्श दिया जा रहा सबक दिया जा रहा है कि उन्हों दुनिया की सबसे मुस्तकम दीवार बना कर के भी इतराए नहीं फूले नहीं गर्दन ऊँची नहीं किए सरे तस्लिम खुदा के सामने खम किए और बोले हाजा रहमत उम्मी ये मेरे रब की रहमत से है इतनी मस्तकम दीवार बना करके भी और तुम छोटी छोटी सी सरदारी मामूली सरदारी कुछ हवेली कुछ बाग उस पर इस कदर इतराते हो इस कदर इतराते इतर हो ऐसा ही तुमको इस किस्से से सबक लेना चाहिए और अपनी असलाह करनी चाहिए अब मैं जहाँ से छोड़ा था फिर से पलटता हूँ कला आतूनी ए आतूनी दो मुझे उफ्रिग कि मैं उंडे लूँ उस पर कितरन पिघलाए हुए तांबे को इसको कितर इसलिए कहा जाता है कि वो टपकता है और ये कितर मंसूब है उफ़री की वजह से उसकी तकदीर है आतूनी कितरा उफ़री है कतरा तो पहले को हसफ़ किया गया उस पर दूसरे की दलालत की वजह से काला ए तू काला तो अलीफ के वसल के साथ हमज़ा की करत है हाँ जब यह शुरू में आए तब अलीफ को कसरा होगा जीवनी फमस्ताऊ या जरूर तो वो इस पर चढ़ करके भी नहीं आ सकेंगे मस्ताऊ ये इस तता से फेले माजी से गजमा मुजक्कर गायब है तो फमसताऊ असल में था पमस तय क़ाऊ बेहसफ ताको हसफ़ कर दिया गया है खफत के लिए क्यों इसलिए कि ता और क़वा ये मखरज हैं और फमस और बिल्कुल वाज़ है ताऊ बोलना आसान है फमस तय क़ाऊ बोलने के बनस्बत इसलिए ताको हसफ़ कर दिया गया ए ज़रू या के वो दी वो बंद पर चढ़ें वो मस्ता लहू कबा और वो इसमें सुराख भी नहीं कर सकेंगे उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा लाही लहंग उनके पास कोई हीला नहीं होगा याजूज और माजूज के पास कि वो चढ़ सकें इसकी ऊंचाई की वजह से और ना ही इसमें नकब लगा सकें इसकी पुख्तगी और मजबूती की वजह से कॉलेज रहमत रबी जुलकरनैन ने कहा यह बंद मेरे रब अल्लाह की नेमत है और अल्लाह की रहमत है उसके बंदों पर या तो ये मुराद आजा रहमत तुम मेरे रबी से या या जुलकरन ऐसा चाहना कहना चाह रहे हैं कि ये इकदार तमकीन उसके तस्विया से है फैज़ा जवादोरबी जा जब मेरे रब के वादा का वक्त आएगा एक माना इसका ये और एक माना मुफसर बयान कर रहे हैं कि जब मेरे रब का वादा वादा आएगा वादे का वक्त आएगा यानी वादे का वक्त करीब होगा एक तफसीर वो थी एक तफसीर ये बयान कर रहे हैं इज़ा दना मजियो योम क्यामा जब योम क्यामा की आमद करीब होगी और आना ही चाह रही होगी उस वक्त अल्लाह ताला ताली जालूदक्का इस बंद को पैबंद खाक़ कर देगा मदकू कन मकसूदा पैबंद खाक हमवार कर देगा दक्का ये तीनों कोफ़ी कुर्रा की क्रत है यानी हमवार ज़मीन वक़ा नवाद और रबी हक़ और मेरे रब का वादा मेरे रब का वादा है। कौल जिल वाद हक है आखिर वोले कर्नैन ये वक़ा नवाद व रबी हक़ ये करनैन का आखिरी कॉल है आखिरी कलाम है इसके बाद जो कलाम आ रहा है वह तरक नाबाज हूँ योम यमूज़ ये, ये जुलकरनैन का कलाम नहीं ये अल्लाह इज़्ज़त का कलाम है यहाँ पहुँच कर का आखिरी कलाम है यहाँ पहुँच कर का किस्सा ख़त्म हो जाता है ये किस्सा अगरचे को मक्का के इम्तिहानी सवाल पर सुनाया गया मगर किस्ा असाब कहाफ़ मगर किस्से असाब कहाफ़ और किस्से मूसा व खजिर की तरह इसको भी कुरान ने अपने कायदे के मुताबिक अपने मुद्दा के लिए पूरी तरह इस्तेमाल किया है इसमें बताया गया है कि जुलकरन जिसकी अजमत का हाल तुमने अहले किताब से सुना है महज एक फाते ही नहीं था बल्कि तोहीद और आख़रत का कायल था तुम्हारी तरह काफिर मशरक न था वो आखिर उदावाना ان الحمد لله رب العالمين